ये जॉब सुबह सुबह धूप सेकने में कितना मजा आता है। ऐसा लगता है कि दिन भर बस धूप में ऐसे ही डले रहो। ओ सिंचन भैया, कभी कभार तो आप सच बात कर दो तो मजा आ जाता है धूप सेकने में। तो जॉब वो सब तो ठीक है, तू ऊपर क्यों चढ़ता जा रहा है? आराम से नीचे बैठना कुर्सी में, नहीं तो कुर्सी उल्टी हो जाएगी और तू गिर जाएगा। आओ सिंचन भैया, सही बोला, ढंग से तो बैठ गया, अब नहीं चढ़ूंगा ऊपर, कोई बात नहीं, सॉरी। वे यार, सारी प्रॉब्लम लॉस सैंटोस की मेरे घर पे क्यों आती है? अब ये कैमरा किसने तोड़ा, टीवी किसने तोड़ी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और ये देखो राजाओं महाराजाओं की तरह दोनों डले हुए हैं। सिंचन चौप, तुम लोगों को कोई काम नहीं सूझता क्या दिन भर डले रहने के अलावा? फ्रेंकलिन भैया, हम लोग डले नहीं है, आज संडे है ना, तो मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। ओ फ्रेंकलिन भैया, और मैं सिंचन भैया के साथ आराम कर रहा हूँ। मैंने तो तुझे चौप आराम करने के लिए तो पाला ही है, काम कर तो तू है नहीं कोई। आओ तुम दोनों, दिखाता हूँ तुम लोगों को घर में क्या हुआ। आओ फ्रैंकलिन भैया, सारे काम तो करता हूँ, तुम्हारे घर की देखभाल भी करता हूँ, सब करता हूँ। हाँ हाँ वो तो पता है, आजा आजा दिखाता हूँ कितनी देखभाल करता है और तुझे कितना पता है घर के बारे में। यहाँ आओ तुम दोनों, ये देखो यहाँ पे आके। अरे फ्रैंकलिन भैया, सुबह सुबह चिल्लाओ मत, आराम आराम से आते रहिए, हमारे छोटे छोटे पाँव हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो ये क्या डला हुआ है। फ्रैंकलिन भैया, ये तो कैमरा है, गलती से टूट गया होगा, किसी ने पत्थर वत्थर मार दिया होगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आओ फिर, ये देखो ये क्या है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये तो एक और कैमरा है, ये भी टूट गया होगा, किसी से गलती से पत्थर मार दिया होगा। आओ सिंचन भैया, बिल्कुल सही बोले, तो मैं सही होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे आओ तुम दोनों, यहाँ पे आओ, ये क्या है। आओ फ्रैंकलिन भैया, आने तो दो हम लोगों को, तुम लोग तो इतनी तेज दौड़ के पहुँच जाते हो। अरे ये तो एक और कैमरा है। फ्रैंकलिन भैया, इतने सारे कैमरे एक साथ नहीं टूट सकते, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ वही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। आओ बाहर दिखाता हूँ तुम लोगों को, घर के सारे कैमरे टूट चुके हैं, घर में जितने लगे थे। आओ फ्रैंकलिन भैया, तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं घर में दिन भर सोता रहता हूँ? नहीं नहीं जॉब महाराज, आप घर में सोते कहाँ, आपको तो हर चीज पता है ना, तो बताओ फिर ये कैमरे किसने तोड़ी है। देखो एक और कैमरा डला हुआ है यहाँ पे, अब इसके बारे में क्या कहना है तुम दोनों का। फ्रैंकलिन भैया, मैं तो ज्यादातर टाइम घर पे नहीं रहता, मेरे तो स्कूल खुल गए हैं, मुझे तो रोज स्कूल जाना होता है। हाँ चौप, और आपकी कौन सी सफाई है, आपको कहाँ जाना होता है? आओ फ्रैंकलिन भैया, वो क्या है ना, वो मैं थोड़ा सो गया होऊंगा, मुझे कुछ याद तो नहीं है किसने तोड़े कैमरे, लेकिन हाँ टूट भी सकते हैं, पिंकी के पास गया होऊंगा जब। रखियो चौप, तुझे गांव भेज दूंगा ताऊ के पास, अगर तूने ऐसी सिक्योरिटी करी। ये देखो एक और कैमरा टूटा हुआ है, घर के सारे कैमरे टूटे हुए हैं, ये है क्या, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। अरे ये क्या हुआ, एकदम से सारे कैमरे गायब कैसे हो सकते हैं यार। फ्रैंकलिन भैया, ये मुझे लग रहा है कुछ और ही है, ये अपन से नहीं, किसी आदमी ने नहीं तोड़ा, ये कुछ और ही है, ये देखो सारी कैमरे गायब हो गई। हाँ हाँ सिंचन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, सारे कैमरे गायब हो गए, ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ वाला भी कैमरा गायब हो गया। रुक जाओ, घर की टीवी भी देखते हैं, वो भी टूटी हुई थी क्या, शायद वो भी गायब हुई है क्या। ओ फ्रैंकलिन भैया, ये कोई काली शक्ति का जादू लगता है, टीवी भी तो नहीं है। अबे काली शक्ति का जादू क्या होता है नूबड़े, ये किसी ने चोरी करी है हमारे घर में, लेकिन हमारे सामने से कोई कैसे चोरी कर सकता है, इनविजिबल चोर कैसे हो सकता है, हमारे सामने से सब कुछ गायब हो गया। ओ फ्रैंकलिन भैया, लग रहा है अपन को कि कोई इनविजिबल चोर आ चुका है लॉस सैंटोस में। हाँ ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो, फटफट से चलते हैं, फटाफट से टोनी भैया के ऑफिस में, उनसे पूछेंगे उनके कैमरे और टीवी गायब हुए हैं क्या। फ्रैंकलिन भैया, वैसे आप ये बताओ कि आप इतनी सारी गाड़ियाँ कैसे चेंज करते रहते हो, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? ए यार सिंचन, वो मैं गाड़ियों के लिए जुगाड़ लेता हूँ, मेरा शौक है ना, कार्स बाय करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना, महंगी महंगी और एक्सपेंसिव कार्स। फ्रैंकलिन भैया, उसको जुगाड़ना नहीं बोलते, चोरी बोलते हैं, इससे अच्छा तो अपना चैनल सबसे बोलो सब्सक्राइब करने को, तो वैसे भी पैसा मिल जाएगा। अरे हाँ यार सिंचन, लेकिन कोई सब्सक्राइब करता ही कहाँ है मेरे बोलने से, तू ही बोल के देख ले। गाइस फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे हम लोग पास पैसा हो जाए और हम लोग कैमरा और टीवी खरीद पाए। हाँ सिंचन शांत रहे। अरे हाँ टोनी भैया, बोलो काय के लिए कॉल किया। अंकलिन कहाँ तुम, मैं तुम्हारा घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे तो कोई है ना। टोनी भैया, मैं तो आपके घर के बाहर नहीं, ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें कुछ बताने आया था, जल्दी फटाफट से
अपना घर पे आ जाओ, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। अरे ओके टोनी भैया, अभी हाल आया, चलो सिंचन जाओ फटाफट से गाड़ी में बैठो, हमको हमारे घर पे चलना होगा। फ्रैंकलिन भैया, लेकिन हम घर पे क्यों चल रहे हैं, हम तो टोनी भैया के यहाँ पे आई थी ना। ए सिंचन, क्योंकि टोनी भैया हमारे घर के बाहर खड़े हुए हैं, वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जल्दी से आओ। बताओ अब कहाँ चले अपन। फ्रैंकलिन भैया तू फटाफट से घर पे चलो ना, वैसे भी अपने पास तो बुक आती है, अपन तो तुरंत पहुँच जाएंगे। अरे हाँ हाँ सिंचन, पहुँच तो गए, ये ले अपने घर की रोड तो, ये देख टोनी भैया भी खड़े हुए हैं। अरे हाय टोनी भैया, आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो, हम तो आपके ऑफिस में गए थे। शिनचैन मैं तो तुम लोगों से मिलने आता, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना था और दिखाना भी था। अरे हाँ हाँ टोनी भैया, बताओ क्या बताना था और क्या दिखाना था। अरे फ्रैंकलिन, ये बताना था कि वो टीवी मैन फिर से आ चुका है, और इस बार अपने भाई को भी लेके आया है कैमरा मैन। ये देखो दोनों की AI फोटो, ये हैं वो दोनों। इन दोनों को हमें हराना होगा, सबसे पहले इनकी दादी के पास जाओ और इनकी कहानी सुनो। कहानी सुनो क्या होता है टोनी भैया, ऐसा बोलो ना कि इनके बारे में जाके पता करो। कहानी क्या, यहाँ पे कॉमेडी चल रही है क्या। सॉरी फ्रैंकलिन, और एक बात और, लॉस एंजेलिस के सारे इंसान गायब कर दिए इन लोगों ने, तो उन्हें भी तुम्ही को बचाना होगा ना मार्क। हाँ हाँ समझ गया, तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं यार दादी जी के पास। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, अपन को तो कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, बस वो दादी अपन को कहानी सुना दे कल की आंटी की तरह, नहीं जिनने कहानी नहीं बताई थी, डर के मारे भगी गई थी। अरे हाँ हाँ सिंचन, आ तो गए दादी के घर पे, बस कहानी सुना दे, ये दादी कहीं मार के भगा ना दे अपन को। ओ फ्रैंकलिन भैया, इतनी किसी की दम है कि तुम्हें मार के भगा पाए, तुम दूसरों को मार दो। चौप, अरे नमस्ते दादी, मुझे जरा आपसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी। अरे हाँ बेटा, कहाँ बात करनी थी, काय को यहाँ घूम रहे हो गांव में। अरे दादी, वो मेरे को कैमरा मैन और टीवी मैन के बारे में थोड़ा सा जानना था। अरे बेटा, उनके लाने को जानने लायक कछून ने करो ही नहीं जिंदगी में, हमेशा शरारत करत रहे, और बाद में जाके दोनों ने अपनी आत्मा बेच दी शैतान को और भूत बन गए। तो गाइस मैंने तो सोचा था कोई अच्छी सी कहानी होगी इन लोगों की, लेकिन इन लोगों की तो बड़ी नूप सी कहानी थी। चलो रे चौप सिंचन, गाड़ी में बैठो फटाफट से, इन लोगों को तो हमें खत्म ही करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया, मुझे लग रहा है तुमने सुना नहीं दादी ने क्या बोला, वो दोनों भूत है, उन्हें कैसे मारोगे। नूप, अभी जैसे पिछली बार मारा था ना टीवी मैन को, वैसे ही मानूंगा। वैसे टोनी भैया के घर पे चलते हैं, फटाफट से टोनी भैया से मिलते हैं और इनसे कुछ मांगेंगे कि पावर वावर दो, नहीं तो उसको मारेंगे कैसे। फ्रैंकलिन भैया, इस बार आप हल्क बन जाओ, मजा ही आ जाएगी हल्क बन के मारना ऐसे दिशुम दिशुम करके। अरे हाँ हाँ सिंचन, बस टोनी भैया दे दें हल्क की पावर, चल फटाफट से घर के अंदर चलते हैं। टोनी भैया का बंगला तो कितना आलीशान है ना। फ्रैंकलिन भैया, वो टोनी स्टार्क है, उनके पास बहुत पैसा है, अपने जैसे गरीब थोड़ी है। फ्रैंकलिन तुम आ गए, चलो मेरे साथ, ये देखो यहाँ पे ले आया मैं तुम्हें, यहाँ पे मेरी लैब है, यहाँ पे वो पीछे केमिकल रखा होगा एक ग्रीन ग्रीन, उसको पी लो, उससे तुम्हारे पावर मिलेगी दोनों को हराने के लिए। अरे हाँ हाँ बस टोनी भैया रुक जाओ एक सेकंड, लो फटाफट से पी भी लिया मैंने तो। फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया काम किया तुमने, अब तुम हल्क बन सकते हो, जाओ फटाफट से दोनों को हरा दो और लॉस एंजेलिस को बचा लो। ए हाँ हाँ टोनी भैया जा रहा हूँ, चलो फटाफट से सिंचन चौप आके गाड़ी में बैठो। ओ फ्रैंकलिन भैया बैठ तो गए, गाड़ी भगाओ और जल्दी से उनके लोकेशन पे लेके चलो, हम भी देखना चाहते है तुम्हें हल्क बनते हुए। हाँ हाँ चौप, टेंशन क्यों ले रहा है, ले बस पहुँच ही गए, यहीं पे लोकेशन है जो खदान की, वहीं पे वो नीचे कहीं पे खड़े हुए हैं दोनों जन, चलते हैं फट से। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो डर ही लग रहा है यार, कहीं वो अपन को ना मार दे। ए सिंचन टेंशन क्यों लेता है, नहीं मार पाएंगे, मैं हूँ ना भाई, जब तक मैं हूँ जब तक तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले। फ्रैंकलिन भैया आप तो हम लोगों से कितना प्यार करते हो यार, सॉरी जो भी मैं आपको बोलता हूँ उसके लिए। हाँ हाँ ज्यादा इमोशनल मत करो मुझे, तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ आगे लड़ने, ठीक है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ओके ओके, हम लोग यहीं पे रुके हैं, आप आराम से लड़ो, हम हिसाब की लड़ाई देखेंगे। अरे यार गाइस, ये कैमरामैन तो यहीं पे ही खड़ा हुआ है, इसके तो बात करनी पड़ेगी। हेलो कैमरामैन, कैसे हो। ए फ्रैंकलिन, तुम कहाँ घूम रहे हो, मेरे को बताया था मेरे भाई ने, कैसे तुमने उसे मारा, आओ लड़ाई करते हैं। ओके ओके, अरे हल्क तो बन जाने देते अच्छे से, तुमने तो मार लेना शुरू कर दिया, रुक जाओ अब मारता हूँ तुम्हें हल्क बन के, अब मारो, बड़ी लड़ाई की मच रही थी ना तुम्हें। अरे तुम्हारे पंच तो बड़े मुश्किल से कर ले भाई, रुक जाओ बताता हूँ तुम्हें, मैं बताता हूँ तुम्हें, उड़ते उड़ते
सख्त मारूंगा, ऐसा मारूंगा उठ ही नहीं पाओगे। ए फ्रैंकलिन, मुझे नहीं मार पाओगे, अपने सपनों में भी मेरे पास बहुत पावर है। अब बोला रुक जा, बताता हूँ तुझे तो जमीन में ही गाड़ दूंगा। ले अब बता कहाँ बोल रहा था, मुझसे ज्यादा बोल रहा था। अरे यार अब ये टीवी मैन कहाँ पे मिलेगा, जल्दी से ये भी आ जाता ना तो इसका भी गेम बजा देता। अरे इसने तो आरती साथ मारना ही शुरू कर दिया। अरे टीवी मैन भैया कैसे हो, पिछली बार से बड़े मजे में लग रहे हो। पिछली बार से ज्यादा पावर है मेरे पास, अब मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। मेरे पास अब स्वॉर्ड भी है बड़ी वाली, अब देखो तो मैं कैसे मारूंगा। मारना तो दूर की बात है, तुम तो छू ही नहीं पाया, लेकिन तुमने स्वॉर्ड से मार दिया। कोई बात नहीं, लो मेरा मुक्का खाओ, तुम्हारी स्वॉर्ड को तो मैं तोड़ दूंगा आज बीच में से। नहीं, देखते हैं कौन किसकी स्वॉर्ड तोड़ता है और कौन किसकी खोपड़ी फोड़ता है। हाँ कैमरामैन भैया को तो मैंने हरा दिया, अब तुझे भी बताता हूँ कैसे मारूंगा ना, तू तो याद रखेगा हमेशा से। अरे ये कौन सी पावर है, रुक जा बताता हूँ तुझे, तो उड़ के ही मारना पड़ेगा कूद के। फ्रैंकलिन मेरे पास बहुत पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे ठीक है ना टीवी मैन भैया, करके दिखाओ ना कुछ भी, क्यों कुट रहे हो फिर इतनी देर से। अगर कुछ भी कर सकते हो तो मारो यार, तुमने तो सीरियस ले लिया, सही में मुक्का मार दिया। ऐसे भी सीरियस नहीं बोला था मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि हार जाओ जल्दी से मुझसे। फ्रैंकलिन मुझे माफ कर दे, मेरी पावर कम हो रही है, मैं कभी लॉस एंजेलिस में वापस नहीं आऊंगा, माफ कर दे मुझे। सॉरी टीवी मैन भैया, हमारे यहाँ माफी वाफी नहीं मिलती यार, हम सब साफ कर देते हैं आदमी को। लो अब तो मैं फेंक भी देता हूँ और चले जाओ अपनी अपनी जगह को जहाँ से तुम लोग आए थे, और तुम्हारा कैमरामैन मैंने जमीन में घुसेड़ दिया था, उसे खोद के निकाल लेना। आओ चलो टीवी मैन भैया, निकल लो तुम यहाँ से, अब कभी लौट के नहीं आना। तो चलो गाइस, हमने टीवी मैन को हरा दिया। सिंचन जो मजा आई कि नहीं लड़ाई में। फ्रैंकलिन भैया आज तो लड़ाई देख के मजा ही आ गई, चलो फटाफट से अब नया टीवी और कैमरा बाय करने चलते हैं। हाँ हाँ तो चलो गाइज, मैं तो जा रहा हूँ नई टीवी और कैमरा की सिक्योरिटी बाय करने। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक, चेक को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।